Hello students, good morning. How's you all? In last video of English Reader Honeydew book, we had study chapter 1, the best Christmas gift in the world, and we had completed our two parts of this chapter. And हम लोग ने दो parts का complete कर लिया था. अब इसका third part देखिए, यहाँ से आज से start होगा. And today we will complete this part. Okay, ये part complete होने के बाद अभी भी हमारे पास एक part बचा होगा, part 3. ओके मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो पार्ट 3 होगा, बट माय वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो 4 होगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ओ डियरेस्ट ही स्माइल, मतलब कि ये जो जिम रहता है वो अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा होता है और अपने वार के बारे में बताता है ना, कि वहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो लोग क्या एक्सचेंज करते हैं. मतलब वो लोग ये बताता है कि कैसे दुश्मन के लोग उसको इनवाइट करते हैं साथ में क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए. तो आगे देखिए वो अपनी वाइफ कोनी को बताता है जिम क्या क्या बताता है. और टियरेस और डॉसेट ही स्माइल्ड, मतलब कि वो जो उसका रहता है कौन जो जर्मन की तरफ से रहता है, वो बोलते हैं और डॉर्सेट ही स्माइल, वो स्माइल करता है और बताता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ बहुत अच्छे से. ओके और वो ये भी बताता है कि उसने अपना रम भी जो भी रम था और सॉसेज, मतलब जो भी खाने की चीज़ थी, स्नैक्स थी, वो सब आपस में शेयर करते हैं. वी टॉक कॉनी, हाउ वी टॉक, वो बताता है कि हमने बात किया कॉनी, हम लोगों ने बात किया. ही स्पोक ऑलवेज परफेक्ट इंग्लिश, वो परफेक्ट इंग्लिश बोलता था ठीक है, लेकिन वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था, इवन वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था. वो जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था वह स्कूल से पढ़ा था. ओके और स्कूल में इंग्लिश की बुक से रीड किया था. उसके जो फेवरेट राइटर थे वो कौन थे, थॉमस हार्डी थे ठीक है. और थॉमस हार्डी बुक फार फ्रॉम द, कौन सी बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब थॉमस हार्डी की जो ये बुक थी वो उसकी फेवरेट बुक थी. ओके फिर बताता है कि वे बताते हैं कि नो मैंस लैंड, जहाँ पे वो बैठ के अपना रम और स्नैक्स शेयर करते हैं, वहाँ पे वो किसके बारे में बात करते हैं, बैटसेबा, गैब्रियल, ओक, सर्गेंट, ट्रॉय एंड डॉर्सेट. डॉर्सेट जहाँ का वो रहने वाला था, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. और जो ये नेम दिए हुए हैं ये उसके जो राइटर का जो बुक उसने बताया बहुत फेमस है, उसके कुछ करेक्टर्स रहते हैं ठीक है. और ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ भी रहती है, किसकी, वो जो जर्मन रहता है सोल्जर, उसका उसकी एक वाइफ होती है, एक बेटा होता है जो जस्ट 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ रहता है. ओके वो देखता है कि हर एक तरफ भीड़ थी, हडल्स मतलब भीड़ थी, किसकी, खाकी पहनने वालों की और ग्रे कपड़े पहनने वालों की. खाकी मतलब ये जो इंग्लैंड के लोग पहने थे और ग्रे मतलब जो था जर्मन के लोग पहने थे, जर्मनी के. ऑल वर नो मैंस लैंड, सभी तरफ एक दूसरे के आस पास थे, सब बैठे थे और डे इन्जॉय कर रहे थे. कोई स्मोकिंग कर रहा है, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब वो करने में बिजी थे, इन्जॉय कर रहे थे. हैंस वोल्फ, वो जो जर्मन का था ना सोल्जर, उसका नाम हैंस वोल्फ था. हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड, आई मतलब जिम ने शेयर किया क्या, वॉज लेफ्ट टू योर वंडरफुल क्रिसमस केक को, मतलब कि एक दूसरे में शेयर किया, किसके केक को, क्रिसमस के जो केक था उसको शेयर किया कोनी. ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. मार्जिपन क्या होता है, मार्जिपन जैसे कि बादाम का हलवा भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि नीचे का जो कोट हो ब्रेड जैसा होता है केक में और ऊपर कवर होता है ना क्रीम से, वैसे वो नीचे बादाम का होता है और ऊपर क्रीम से कवर होता है. ओके आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग, वो बताता है कि हम लोग एक दूसरे की बातों पर एग्री करते थे. एंड ही वॉज़ माई एनिमी, मतलब कि जैसे कि वो मेरा दुश्मन था लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे की सभी बातों पर एग्री करते थे. वो बताता है कॉनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी थी. ओके देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, उसको नहीं पता कि कौन वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, कोई एक सोल्जर होता है जो फुटबॉल ले आता है. ओके जो ग्रेट कोट वो पहने होते हैं उनसे वो डंप करते हैं इन पायस टू में गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए, किस लिए बनाए थे, फुटबॉल खेलने के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड ठीक है. और दूसरी चीज़ें ये थी कि टॉमी और जो मतलब जो वो लोग सोल्जर्स थे जो इनके लीडर को कहा जाता था टॉमी और फिट्स, ये लोग भी मेन लैंड नो मैंस लैंड के बीच में थे. हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर, और ये सब चेयर करते उनको उत्साहित करते हैं, किसको, और सोल्जर्स को खेलने के लिए. एंड क्लैपिंग आवर हैंड्स, हैंड्स को क्लैप करते हैं. स्टैम्पिंग आवर फीट,
अपने पैर को स्टैम्प करते हैं, मतलब पीटते हैं, किस लिए? ताकि उनकी जो ठंड उनको लग रही है वो उससे दूर भाग सके। ठीक है, उसने ये भी महसूस किया एक मोमेंट कि जब दोनों की सांसें आपस में मिंगल हो रही थी, क्योंकि बहुत ठंड, दोनों पास खड़े थे, ये दोनों की सांसें मिंगल हो रही थी, मतलब मिल रही थी। ही साइड टू एंड स्माइल, वह दोनों देखते हैं, स्माइल करते हैं, बोलता है जिम मार्च पर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, वह स्माइल करने की कुछ देर बाद बोलता है जिम मार्च पर्सन, वो बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग इस युद्ध को एक फुटबॉल मैच खेल के जीत या हार का फैसला कर ले। मतलब वो तो एक युद्ध था, लेकिन वो चाहता था हेल्सवोल कि हम लोग इस युद्ध का फैसला एक फुटबॉल मैच खेल के कर लें, जो जीतेगा वो युद्ध जीत जाएगा। ओके, वो ये भी बताता है कि ऐसा करने से फुटबॉल मैच में किसी की मौत नहीं होगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई वाइफ विडो मतलब विधवा नहीं होंगी। तो जैसे जिम बोलता है आई एड प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट प्रिफर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग उसमें जीत जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड के रहने वाले लोग क्रिकेट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है क्रिकेट। तो उसके बाद क्या होता है कि दोनों ये बातें सुनने के बाद हंसने लगते हैं और गेम को देखने लगते हैं, और क्या बोलते हैं, ठीक है, गेम को देखते हैं। और देखिए फिर वो बताता है कौन, जिम उसको लेटर में बताता है कौन ही फिट्स वॉन, वो बताता है कि जो फिट्स होते हैं, जो जर्मनी के लोग होते हैं, वे लोग फुटबॉल को गेम को जीत जाते हैं 2-1, वे 2 गोल कर पाते हैं लेकिन हम लोग 1 ही करते हैं। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सेड, जो हैंस वॉल्फ रहता है वो बोलते हैं कि हमारा जो गोल था वो वाइडर था और आप लोगों का जो गोल था वह थोड़ा कम वाइड था, इसीलिए बताता है कि द टाइम, मतलब वो बताता है कि हमारा गोल ज़्यादा वाइड था, आपका कम था, इसलिए आप लोग हार गए हम लोग जीत गए, मतलब हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली थी जीतने के लिए। ठीक है, द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और वह समय भी आ जाता है जब गेम फिनिश हो जाता है, स्नैक्स जो भी उनका सब ख़त्म हो जाता है, रम सॉसेस सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, अब वे सब लोग जान चुके होते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप आई वुड सी हिज फैमिली अगेन, वो जो रहता है जिम, वो हैंस वॉल्फ को हाथ मिलाते हुए कहता है कि आई होप कि आप अपनी फैमिली से जल्दी मिले। अब वो ये भी बोलता है कि ये सभी लोग चाहते हैं, मतलब ये सभी सोल्जर्स चाहते हैं जितने भी युद्ध लड़ रहे होते हैं, कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सभी अपनी फैमिली तक पहुँचे। आई थिंक वट इज़ द, ये ना एवरेज सोल्जर्स वॉल्फ, सभी सोल्जर्स यही चाहते हैं, हैंस वॉल्फ सेट कहता है। हैंस वॉल्फ क्या कहता है कि टेक केयर जिम मार्च पर्सन, अपना ख्याल रखना, ठीक है, मैं इस मोमेंट को कभी भूल नहीं पाऊँगा और ना ही तुम्हें। ही सैल्यूटेड सैल्यूट करता है और स्लोली उससे दूर चला जाता है, बट वह ऐसा फील करता है कि जो ये हैंस वॉल्फ है वह उससे दूर जाना नहीं चाहता, ठीक है, उसको ऐसा फील होता है बस। और फिर वो और देखता है कि हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स द ट्रेंचेस, और सभी ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर्स और वे जो खाकी ड्रेस पहने हुए जो सोल्जर्स होते हैं सब अपने अपने ट्रेंचेस में वापस जाने लगते हैं। ओके, दैट नाइट बैक इन आवर ड्रॉट, वे सब अपने ड्रॉट समझते क्या होता है, ये लिखा है ड्रॉट फॉर सोल्जर्स मेड बाई डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, ठीक है, ज़मीन में खोदा हुआ गहरा गड्ढा जहाँ पे जो ऊपर से तो कवर होता है लेकिन उसके अंदर कौन रहता है, सोल्जर्स रहते हैं। ठीक है, वे सब वापस अपने डगआउट्स में आते हैं, वह देखता है कि वे लोग कैरोल सिंग कर रहे होते हैं, कैरोल एक सॉन्ग होता है, वो कैरोल गा रहे होते हैं, बहुत ही खूबसूरती से गा रहे होते हैं। ओके, कौन सा गाना था वो, स्टिल नाइट साइलेंट नाइट, और उन लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगता है, ये हैंस वॉल्फ के सोल्जर्स गा रहे होते हैं। हाँ, और फिर वो बताता है जिम के हमारे सोल्जर्स भी जो थे वो भी गाना गाने लगते हैं, कौन सा, चोरस ऑफ वाइल्ड सैफर्ड वॉस्ट गाना गाने लगते हैं, और वह वी एक्सचेंज कोरल्स फॉर अ वाइल्ड, और वे लोग कुछ समय के लिए अपने कैरोल्स को एक्सचेंज करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के गाने को गाते हैं। ठीक है, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंटली, और उसके बाद धीरे धीरे सब साइलेंट हो गए, वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल,
अब वो सभी क्या थे, उन लोगों को क्या लग रहा था कि चारों तरफ कितनी शांति और अच्छाई है, और वो सोच रहा था कि अ टाइम आई विल ट्रेसर एज लॉन्ग एज आई लीव। वो बताता है कि ऐसा समय है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। ओके फिर बोलता है डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग। अगले साल ये वार नहीं रहेगा, ये सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। ओके नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो भी आज हुआ वह सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। ठीक है सभी आर्मीज अपने घर को जा चुके होंगे, चारों तरफ शांति होगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट। और वो ये भी बोलता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में लिखता है योर लविंग जिम। सो द पार्ट टू ऑफ चैप्टर वन हैज़ कम्प्लीटेड एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग इसको पढ़िए।